الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتبعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم अज़ीज़ तलबा, आज की ये सोहबत आपके साथ इस तरह पर, ये गालबन आखिरी सोहबत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गैर मुकल्लिदियत के सिलसिले में कुछ मुतफर्रिक बातें आपके सामने रखूँ। बाज़ वो तलबीसात जिनके ज़रिए से गैर मुकल्लिदीन आवाम को गुमराह करते हैं, उनसे आपको वाकिफ कराऊं। कुछ इनके ऐसे मोटे मोटे मसाइल जो आम तौर पर वो आवाम के सामने नहीं लाते हैं, लेकिन इनके मोतबर और मुस्तनद किताबों के अंदर वो मौजूद हैं। कुछ उसके नमूने आपके सामने हों, और इसी तरह पर कुछ एतकादात के सिलसिले की बातें हों, कुछ उनके अकायद आपके सामने आ जाएं। जाहिर बात है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हर एक को सामने रख करके कोई तवील गुफ्तगू की जाए। मकसद सिर्फ ये है कि कुछ नमूने आपके सामने आ जाएं इनके, और कुछ चीज़ें आपके जहन के अंदर आ जाएं ताकि आप वक्त ज़रूरत काम लें। तो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि गैर मुकल्लिदीन आवाम को गुमराह करने के लिए एक शोशा छोड़ते हैं जाहिलों में कि तुम गैर मुकल्लिदीन, तुम मुकल्लिदीन ये कहते हो कि चारों मज़ाहिब हक हैं। हालांकि ये कैसे हो सकता है, और आवाम के सामने इसको खूब नुमाया करते हैं कि देखो हनफी मजहब में फला चीज जायज है, शाफी मजहब में नाजायज है, हम्बली मजहब में ये है और मालिकी मजहब में ये है, और उसके बावजूद ये तमाम के तमाम गैर मुकल्लिदीन ये कहते हैं कि चारों मजाहिब हक हैं। ये चारों मजाहिब हक कैसे हो सकते हैं? इसको हमारे यहां बहुत फैलाया और बहुत से लोगों को गुमराह किया, और आ करके वो हम लोगों से सवाल करते हैं कि जब चारों मजाहिब के अंदर इख्तलाफात हैं, हत्ता के हराम और हलाल का इख्तलाफ है, तो चारों मजाहिब हक कैसे हो जाएंगे? हो सकता है कि इस तरह की बातें आपके सामने भी आए, इसलिए इस सिलसिले में एक बात जो बहुत अहम और उसूली है उसे आपको नोट कर लेना चाहिए। हक का इतलाक दो माने पर होता है। एक हक का मतलब और माना यह हुआ करता है कि कोई चीज वाकई के मुताबिक है। चांद निकला है, किसी ने आकर के खबर दी कि चांद निकला है, तो उसका ये कहना जो है वाकई के मुताबिक कहा जाएगा कि कलाम हु हक, नकौल हु हक, उसके बाद हक है। जैद सफर करके आया है, किसी ने आकर के खबर दी कि जैद आ गया है, अगर वाकई जैद आया है, उसने आकर के बतलाया है, तो कहा जाएगा कि उसका कलाम हक है। तो एक हक का तो मतलब ये हुआ करता है कि वाकई के मुताबिक कोई चीज हो, और एक हक का मतलब ये हुआ करता है कि शरीयत के मुताबिक कोई चीज हो, अमरे शारे और हुक्म शारे के मुताबिक कोई काम किया जाए, चाहे वो वाकई के मुताबिक हो चाहे वाकई के मुताबिक ना हो, लेकिन अमरे शारे और हुक्म शारे के मुताबिक है तो वो चीज हक है, और शरीयत के नजदीक इसी का एतबार है। हमें इसी का मुकल्लफ बनाया गया है कि हम शरीयत के अमर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें।
مثال کے طور پر چار آدمیوں نے سفر کیا, رات اندھیری ہے, قبلہ مشتبہ ہے, تو اس سلسلے میں ہم چاروں پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ تحری کرنے کا حکم دیا ہے. تحری کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ چاروں کا قبلہ الگ الگ ہو گیا, ہر ایک نے الگ الگ رخ کی طرف نماز پڑھی, تو یہ چاروں کی نماز شریعت کی نگاہ کے اندر جائز ہے کہ ناجائز, حق ہے کہ نہ حق, یہ اللہ کیا مقبول نماز ہے یا مقبول نماز نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ نماز اگر کہ ایک ہی کی واقعے کے مطابق ہے, تین کی واقعے کے مطابق نہیں ہے, قبلہ رخ حقیقی ایک ہی کو ملا, تین کو نہیں ملا, مگر کیونکہ امر شارع کے مطابق ہے, ہر ایک نے شریعت کے امر پر شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے, اس وجہ سے سب کی نماز حق ہے اور سب کی نماز درست ہے. اگر کہ واقعے کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں شریعت نے واقعے کے مطابق کیا ہو یا نہ ہو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے, ہمیں شریعت نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے ہم اس کو مانیں, بس صرف ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے. آسمان کے اندر چاند بدری ہے, چاند نظر آنے کا عمومی طور پر موقع نہیں ہے کہ سب کو چاند نظر آ جائے, ایسے موقع پر دو آدمی نے آ کر کے شہادت دیا کہ چاند نکلا ہے, تو ایسی شکل کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان دو آدمی کی شہادت کو مان لیا جائے گا, یہی نہیں حکم ہے, بشرطے کہ وہ دو آدمی ایسے ہوں جو کہ نصاب شہادت کو شرائط شہادت کو پورا کرتے ہوں, تو ان کی بات مان لی جائے گی. اور اگر چار آدمی نے آ کر کے گواہی دی لیکن شرائط شہادت کے مطابق وہ نہیں تھے تو قاضی اور مفتی کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. یہاں ماننا بھی حق ہے اور وہاں نہ ماننا بھی حق ہے, دونوں حق ہیں, اس وجہ سے کہ دونوں فیصلوں کے درمیان شریعت کا کیا حکم ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. تو مجتہدین کے ذمے شریعت نے مجتہدین کو مکلف بنایا ہے کہ وہ ان مسائل کے اندر جس میں کہ نصوص نہیں ہے ان مسائل کے اندر استنباط کریں, یہ شریعت کی طرف سے مجتہدین کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے. تو ہر مجتہد اس بات کا مکلف ہے کہ جو مسائل غیر منصوصہ ہیں اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور کر کر کے ان مسائل کے استخراج و استنباط کرے. اب اس کے اندر اگر ثواب کو وہ پہنچ رہا ہے فلہو اجران, اور اگر خدا نخواستہ اس سے غلطی ہو رہی ہے تو بھی وہ معتوب نہیں ہے بدہو, بلکہ وہ کیا ہے, اسی کا مکلف ہے, اور فلہو اجر واحد, اس کے لیے ایک اجر ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب مسائل مختلف بھی ہوں گے, اجتہادی مسائل ہوں گے, استنباط مسائل کا کیا جائے گا, تو ہر ایک کی فہم برابر نہیں ہے, ہر ایک کی عقل جو ہے ایک پیمانے کی نہیں ہے, افہام اور عقول کا تفاوت یہ فطری چیز ہے. تو اللہ میاں نے ایسا سب کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ بس تم جو ہے ایک ہی عقل سے استنباط کرو, ہر ایک کی عقل الگ الگ ہے, ہر ایک کا مسئلہ بھی الگ الگ ہوگا, اور ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہونے کے باوجود ہر مجتہد حق ہوگا, ہر مجتہد کا اجتہاد حق ہوگا, اور جو وہ باتیں کہیں گا وہ بھی حق ہوگی, چاہے دونوں مجتہد کے درمیان حرام حلال کا فرق ہو جائے. تو آپ حضرات کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ شریعت کی طرف سے مجتہد کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے, جیسا کہ حدیث معاذ سے ثابت ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
कि फैलम तजिद, तुमने क्या कहा था, कैफा कैफा तकजी, तो कहा बे किताबिल्लाह, फैलम तजिद तब सुन्नत रसूलिल्लाह। उसके बाद फरमाया कि फैलम तजिद, तुमने कहा था तहजराई, तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। तो मालूम यह हुआ कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से नस न होने की शक्ल के अंदर मुज्तहिद इस बात का मुकल्लफ है कि वह इज्तिहाद करे, और जब इज्तिहाद करेगा तो जाहिर बात है कि इसी शक्ल के अंदर सबका इज्तिहाद एक तो हो नहीं सकता है, अलग अलग इज्तिहाद होगा। लेकिन चूंकि यह अमर शारे के मुताबिक है और हुक्म शारे के मुताबिक है, मुज्तहिद इसी का मुकल्लफ है, इस वजह से चारों मजाहिब हक हैं, चारों अइमा हक हैं, उनके मसाइल बरहक हैं। यह और बात है कि अब आपस में ये चारों अइमा के मुकल्लदीन गुफ्तगू करते हैं, औला क्या है, गैर औला क्या है, किसकी कवी दलील है, किसकी ज़ईफ़ दलील है, ये बात और है, ये बाद वालों का काम है। मगर नफ्से मुज्तहिद ने जो इज्तिहाद किया है, चाहे वो इज्तिहाद एक सा हो चाहे अलग अलग हो, उसके एतबार से वो बरहक है। इसी वजह से चारों आइम्मा बरहक हैं, और उम्मत ने उस वक्त से लेकर के आज तक इन चारों आइम्मा में से किसी को ये नहीं कहा है कि ये गलती पर हैं। हर एक के बारे के अंदर ये है कि हर एक का कौल हक है, मुहतमिल दिल खता, बस में आती है। तो बहरहाल ये आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात जो आम तौर पर ये गैर मुकल्लदीन फैलाते हैं और आवाम के जहन के मुशव्वस करते हैं, वो ये है कि साहब ज़ईफ़ हदीस है, फला हदीस ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ का तकरार और उसका इस अंदाज से तस्करा करते हैं कि गोया ज़ईफ़ हदीस का होना और मौज़ू हदीस का होना दोनों बराबर है। कोई हदीस ज़ईफ़ होगी बस ऐसा नाक भो चढ़ाएंगे कि बस उसको उसके करीब नहीं जाना चाहिए। तो अव्वलन तो इसके अंदर भी वो दोगली पालिश पर अमल करते हैं। जब अपना मौका आएगा और अपनी बात आएगी तो ज़ईफ हदीस भी काबिल अमल हो जाएगी, लेकिन जब अहनाफ की बात या दूसरों की बात आएगी तो ज़ईफ हदीस जो है बिल्कुल मौजू के बराबर हो जाएगी। और इनके गुरू का आलम तो ये है कि अब आगे बढ़ने से पहले एक मिसाल ले लीजिए, बिस्मिल्लाह पर वजू पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बगैर बिस्मिल्लाह के वजू होगा कि नहीं होगा। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वजू लिमन लम युज़्किर इस्मल्लाहि अलैह, कि उस शख्स का वजू नहीं है जो अल्लाह का नाम ना ले और बिस्मिल्लाह ना पढ़े। यह हदीस ज़ईफ़ है, और इस बारे में जितनी अहादीस हैं एक भी सही हदीस नहीं है। इस सिलसिले में जितनी भी अहादीस हैं कोई हदीस सही नहीं है। तो अगर ये लोग ज़ईफ़ हदीस से इसी कदर भिदकने वाले होते तो इसका इनकार कर देते, मगर इनके गुलू का आलम यह है कि मौलाना अब्दुल रहमान मुबारक पूरी ने इसी हदीस से क्या साबित किया कि वह हदीस उलबाब यदुल्लो अला अन्न तस्मियता फिल वुज़ू इम्मा रुकनुन अव शर्तुन, ये कहा कि ये जो हदीस है हदीस बाब ला वुज़ू लिमल्लम वाली, ये हदीस इस बात को बतला रही है या दुल्लो अला अन्न तस्मियता के बिस्मिल्लाह पढ़ना वजू के अंदर या रुकन है या शर्त है। तो हमें तो इस्तेहबाब के अंदर भी अमल करने की इजाजत न दी जाए, और खुद जो है इस हदीस से जो ज़ईफ हदीस है रुकनियत और शर्त यह साबित की जा रही है। बस में आने गई है ना, ये दोगरी पॉलिसी है, ये दोगरी पॉलिसी जो है ये गाली नहीं है, मत समझिए गाली है, मतलब ये है कि अपने जो है अपना वक्त आ जाए
तो इधर की ले लें और हमारा वक्त आ जाए तो साहब, ये मतलब है, ये गाली नहीं है। इसी तरीके से हदीस के अंदर आता है कि जो अजान कहे वही इकामत कहे। हदीस में क्या आता है, तिर्मिजी में रवायत है, जो अजान कहे वही इकामत कहे। यह हदीस ज़ईफ है, कोई एक सनद भी इस हदीस की सही नहीं है। लेकिन मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, जो इनके इमाम अल मुहद्दिसीन हैं, फरमाते हैं कि इससे ये मालूम हुआ कि इमाम अजान वही कहेगा, अरे इकामत वही कहेगा जिसने कि अजान कही हो, इसलिए कि ये हदीस कानून कुल्ली को बतलाने वाली है। तो गोया कानून कुल्ली का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़ईफ हदीस से। अजान को, अजान के कलमात को ठहर ठहर करके अदा करने चाहिए। अजान जब कही जाए तो उसके कलमात को ठहर ठहर करके अदा किया जाए। यह हदीस की कोई सनद सही नहीं है, कोई सनद सही नहीं है। मगर मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी कहते हैं कि यही जो है कानून है और यही शरीयत का उसूल है कि अजान के अंदर तरसुल जो है मुस्तहब है। बात सुनाने लगी तो मालूम यह हुआ कि जब अपना मौका आएगा तो ज़ईफ हदीस के ऊपर अमल करना जायज होगा, अहनाफ के लिए ज़ईफ हदीस के ऊपर अमल करना नाजायज होगा। फतावा नज़ीरिया में मौलाना मियां नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि ज़ईफ, फतावा सत्तारिया में, माज़ल्लाह माफ़ कीजिए।